फ्रेंड बैक टू माई चैनल पर लड़की किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे हस्बैंड बाज़ार से कटहल लेके आए और उन्होंने कहा कटहल थोड़ा रेस्टोरेंट के जैसे मैं बनाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए रेस्टोरेंट में कैसे कटहल की सब्ज़ी बनती है तो आज हम घर पे बनाएंगे। मैंने अच्छे से दो तीन पानी से वॉश कर लिया है, अभी मैं इसे थोड़ा नमक डाल के उबाल लूँगी। ये उबालने से इसका जो एक फेविकॉल के जैसा चिपकी रहता है ना, वो भी निकल जाता है और ये भी अच्छे से वॉश हो जाता है और जल्दी से कटहल बनने में जल्दी से मदद भी होती है। तो कटहल को देखिए, मैंने बॉईल करके इसका पानी ड्रेन कर लिया और इसे नमक हल्दी लगाकर अब मैं इसको फ्राई करूँगी। कटहल बनाने के लिए मुझे लगेंगे कटे हुए प्याज और एक टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये कस्तूरी मेथी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल गरम हो चुका है, कटहल को हम फ्राई कर लेंगे। कटहल को फ्राई करके बनाने से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे पाँच से छः मिनट के लिए। तो कटहल फ्राई हो चुकी है, इसे हम अभी उतार देंगे। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैं जीरा डाल दूंगी। जैसे जीरा चटकने लगे उसमें एक दो तेज पत्ता डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हिलाकर कटे हुए प्याज अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ये एक से डेढ़ चम्मच है, और इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, ये मिर्च पाउडर, इनको थोड़ा सा इनको मैं एक दो मिनट के लिए चला लूँगी। इसमें मैं कस्तूरी मेथी ये भी, और अभी ये कटे हुए टमाटर, और एक चीज़ ये है जो धनिया पत्ता मैंने काटी थी तो उसके नीचे का ये डंठल है, ये अभी डाल देंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले को मैं कम से कम 30 सेकंड के लिए ढक दूंगी, इसको ढक देंगे। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप ही हिसाब से ही डालिए, क्योंकि मैंने जब कटहल को फ्राई किया था उसमें नमक हल्दी डाली थी। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गई। इसमें मैं ये गरम मसाला या आप मटन मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल दूंगी और इन्हें थोड़ा एक मिनट के लिए चला लेंगे। ये अभी रेडी, अब इसमें ये कटहल जो मैंने फ्राई करके रखे थे ये डाल दूंगी। अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूंगी, क्योंकि जो मसाले का फ्लेवर है वो कटहल के अंदर तक जाना चाहिए और कटहल थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये देखिए अब इसमें हम ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे।
इसको हम अभी ढक देंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, देखते हैं ये पका है कि नहीं। ये देखिए परफेक्ट पक चुका है। इसको एक बार ये देखिए। तो इसे अब हम गैस को टेम्परेचर लो कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही लो टेम्परेचर पर ढक देंगे। तो देखिए मेरी कटहल की सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही थोड़ी देर ढक के रखेंगे। देखिए मेरे कटहल की सब्जी रेडी है। इसके पहले मैंने थोड़ी अलग कटहल की सब्जी बनाई थी, आज मैंने थोड़ा अलग कटहल की सब्जी बनाई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।